नोवल कोरोना वायरस विश्व भर में तेजी से फैला, भारत में भी यह अपनी पैर पसार चुका है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने 31 मार्च तक राज्य में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। भागलपुर में हालांकि राहत भरी खबर यह है भागलपुर वासियों के लिए कि कोरोना वायरस के एक भी संदिग्ध मरीज की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। और सबसे बड़ी खबर भागलपुर से यह आ रही है कि अभी जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में SSP आशीष भारती, SDM, DTO, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भागलपुर में जो मस्जिद है, विभिन्न मस्जिद है, जो खानका है, उसमें सामूहिक रूप से जो लोग आते हैं, जो नमाज अदा करने के लिए जो लोग आते हैं, उनसे DM ने अपील की, खानकाओं के इमामों से अपील की, मस्जिदों के इमाम से अपील की, मस्जिद से जुड़े लोगों से अपील की कि सामूहिक रूप से जो नमाज हो रही है उस पर उसको लेकर के लोग घर में ही नमाज अदा करें, मस्जिद में ना आए। हालांकि DM ने यह भी कहा कि जो मस्जिद में जिस समय में तय समय पर अजान होती है वो अजान भी होगी, मुअज्जिन अजान भी देंगे, मस्जिद से जुड़े लोग जो हैं वह अजान भी देंगे, लेकिन सामूहिक रूप से जो लोग नमाज अदा करते हैं मस्जिद पर उसको लेकर के अपील की गई है जिला प्रशासन की ओर से कि इसको सामूहिक रूप से आप लोग नमाज अदा ना करें। कोरोना वायरस का संक्रमण इससे फैल सकता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो मस्जिद होती है उसमें सामूहिक रूप से लोग नमाज अदा करते हैं और 100 से अधिक संख्या में लोग आते हैं और कई सारी मस्जिद हैं, खानकाएँ हैं जहाँ लोग काफ़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए आते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करती है। जिला प्रशासन की ओर से यह अपील की गई है जो यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो धार्मिक गुरु हैं उनके साथ बैठक की गई और बैठक में जिला प्रशासन के द्वारा सख्त दिशा निर्देश दिया गया और जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि अगर इस आदेश का राज्य सरकार जो लॉकडाउन जो जारी की है, जिस आदेश को जारी किया गया, अगर लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सशक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने जिलाधिकारी के आदेश का सहर्ष स्वागत किया और कहा कि जो मस्जिद है उसे अभी ऐलान किया जाएगा कि लोग अपनी अपनी मस्जिद अपने अपने घरों में ही जाकर नमाज अदा करें। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के आधा एक दर्जन से अधिक लोगों की यहाँ पर जाँच हो चुकी है, लेकिन भागलपुर वासियों के लिए यह अच्छी खबर है कि एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से एहतियातन यह कदम उठाया गया है, मस्जिद के इमामों से यह अपील की गई है कि आप सामूहिक रूप से जो नमाज होती है मस्जिद में उस नमाज पर पाबंदी लगाएं। हालांकि इबादत लोग कर सकते हैं लेकिन अपने घरों में जाकर के इबादत करें, अपने घरों में बैठकर इबादत करें। हम आपको वह तस्वीर भी दिखाएंगे जिलाधिकारी ने बैठक में क्या किया है। पैनिक की बात नहीं, सिर्फ उसको घर में ही आइसोलेशन में रख देना है, एक अलग कमरे में उनको दीजिए, सारी व्यवस्था ठीक रहेगी, अलग कमरे में और व्यवस्था इस तरह की रहे कि उनसे लोगों का कम से कम संपर्क हो। 7 दिन यदि बीत जाता है तो मोटा मोटी उस वायरस के लक्षण आने होते हैं तो आ जाता है, 7 दिन बाद वो फ्री है। यदि जिसमें लक्षण शुरू से आ गया उसके लिए 14 दिन की आवश्यकता है। तो ये चीज को हमको समझना है और हर घर परिवार में इसको समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि लगभग हर एक के घर में या रिश्तेदारी में कोई ना कोई व्यक्ति आ रहा होगा, ठीक है, गाँव में, शहर में कोई ना कोई व्यक्ति आ रहा होगा। तो उसको थोड़ा सा हम लोग को पूरे समाज को, सोसाइटी को बचाने के लिए, आवाम को बचाने के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे में फैलेगा उतनी क्षमता है क्या? 4 आदमी 10 आदमी की तो जांच हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग यदि बीमार पड़ जाएं संभव नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर है। कोरोना वायरस से बचने के लिए, देश को बचाने के लिए, संक्रमण एक दूसरे का संक्रमण लोगों में ना फैले, कोरोना वायरस से लोग बचे, इसको लेकर के अपील की गई और अपील का क्या असर होता है वह तो समय ही बताएगा, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।